कोरोना पीड़ितों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 540 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि मरीजों की संख्या में 17 का इजाफा हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 5,734 मामले अब तक हो चुके हैं। इनमें 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 473 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सवाल यही उठता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। इस पर यूपी और दिल्ली की सरकार कल नए उपायों के साथ सामने आई है। यूपी के 15 जिलों में 104 हॉटस्पॉट्स की पहचान कर उन्हें सील कर दिया गया है, जबकि दिल्ली में ऐसे ही 20 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और उन्हें भी सील कर दिया गया है। यानी कि यहां पर किसी भी तरह के मूवमेंट की पाबंदी है। यहां पर सिर्फ होम डिलीवरी के जरिए जो जरूरी सामान है उसे पहुंचाया जाएगा। हम आपको बता दें कुल 5,734 मामले, जिसमें एक्टिव मामले 5,095। वहीं अगर बात कर लें अलग अलग इलाकों की, कहां पर इस वक्त पूरी तरह से सील कर दिया गया है इलाकों को, इसमें मयूर विहार शामिल है, साथ ही लखनऊ के कई इलाके हैं, गाजियाबाद में कई सोसाइटीज हैं, नोएडा में भी कई जगहों को चिन्हित किया गया है, यहां पर भी सील कर दिया गया है इन इलाकों को, और मेरठ में भी इस तरह की सीलबंदी की गई है। 473 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक 5,095 मामले और लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। इसी वजह से अब दिल्ली सरकार और साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है कि सभी हॉटस्पॉट्स को सील कर दिया जाए। हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये सीलबंदी की गई है। पहले उन इलाकों की जानकारी, सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं कि किस तरह से अब मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर कितने मामले हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। 5,734 मामले हैं कुल, इनमें से 473 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 166 की अब तक जान जा चुकी है। यानी कि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और यही चिंता का सबब बना हुआ है। साथ ही हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से अब दिल्ली के कौन से वो इलाके हैं, 20 हॉटस्पॉट्स हैं जिन्हें सील किया गया है, जिसमें गांधी पार्क, मालवीय नगर, गली नंबर 6, संगम विहार, जहानाबाद सोसाइटी और सेक्टर 11, साथ ही द्वारका को भी अब सील कर दिया गया है। वहीं दिनपुर गांव, मरकज मस्जिद, निजामुद्दीन बस्ती, जी और डी ब्लॉक और साथ ही निजामुद्दीन वेस्ट को सील किया गया है। ये तमाम वो इलाके 20 हॉटस्पॉट जिन्हें सील किया गया है। नंबर 8 ब्लॉक जहांगीरपुरी, गली नंबर 14 कल्याणपुरी और साथ ही जनसत्ता अपार्टमेंट, वसुंधरा इनक्लेव, इन सभी जगहों को सील कर दिया गया है। वहीं खिचड़ीपुर, गली नंबर 9, पांडव नगर, ये वो 20 हॉटस्पॉट्स लगातार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं जिन्हें सील किया गया है। साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब सरकार ने ये वो एक्सट्रीम मेजर्स हैं जिन्हें लेना शुरू कर दिया है। ये हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया, इनका आधार था जहां पर संक्रमित लोग पाए गए। अब नोएडा की बात कर लेते हैं, नोएडा में भी वो हॉटस्पॉट्स जिन्हें सील किया गया है वो आपको दिखा देते हैं। एस गोल्फशायर सेक्टर 150, वहीं लोटस बेल बुलेवार्ड सेक्टर 100, पारस टियरा सेक्टर 137, ये वो हॉटस्पॉट्स हैं जो नोएडा में मौजूद हैं। लॉजिक्स ब्लॉसम्स काउंटी, महक रेजिडेंसी ग्रेटर नोएडा, पाम ओलंपिया ग्रेटर नोएडा वेस्ट, साथ ही सेक्टर अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा, एटीएस जीटा 1 ग्रेटर नोएडा, ग्रैंड ओमैक्स सेक्टर 93B, ये सभी नोएडा स्थित हॉटस्पॉट्स हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं जेपी विश टाउन सेक्टर 128, हाइड पार्क सेक्टर 78, सुपरटेक केप टाउन सेक्टर 74, कोरोना के हॉटस्पॉट्स नोएडा में मौजूद, वजिंदपुर गांव नोएडा सेक्टर 37, नोएडा सेक्टर 41, नोएडा सेक्टर 44, ये वो हॉटस्पॉट्स हैं जो कल रात 12 बजे से सील कर दिए गए हैं। नोएडा सेक्टर 27, नोएडा सेक्टर 28 और साथ ही चौड़ागांव सेक्टर 22, डिजाइनर पार्क सेक्टर 62, इसे भी सील कर दिया गया है रात 12 बजे से। वहीं हॉटस्पॉट सील करने के बाद पहली सुबह उन इलाकों का क्या हाल है, इसे लेकर हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति इसी कारण आ रही है कि हम लोगों के
पुलिस और प्रशासन के बार बार अनुरोध करने के बाद भी इसको आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, इसी कारण से ये कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति आ रही है। अपने घरों में ही रहें, अपने घरों से बाहर सोसाइटी में भी ना निकलें। ग्रेटर नोएडा में कोरोना के 22 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। इनमें एस गोल्फशायर सेक्टर 150, लोटस बोलेवर्ड सेक्टर 100, पारस टियरा सेक्टर 137, लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी, महक रेजिडेंसी ग्रेटर नोएडा, पाम ओलंपिया ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सेक्टर अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा, एटीएस जीटा 1 ग्रेटर नोएडा, ग्रैंड ओमेक सेक्टर 93B नोएडा, जेपी विश टाउन सेक्टर 128, हाइड पार्क सेक्टर 78, सुपरटेक केप टाउन सेक्टर 74, सुपर केप टाउन सेक्टर 74, वाजिदपुर गांव, नोएडा सेक्टर 37, नोएडा सेक्टर 41, नोएडा सेक्टर 44, नोएडा सेक्टर 27, नोएडा सेक्टर 28, चौड़ा गांव सेक्टर 22, डिजाइनर पार्क सेक्टर 62, जेजे कॉलोनी नोएडा सेक्टर 5 और 8 और निराला ग्रीनशायर सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा हैं। इन हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन ने दो टूक कह दिया है कि सिर्फ मीडिया कर्मियों और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सभी को जरूरी सामान की सप्लाई घरों में की जाएगी। एक हेल्पलाइन नंबर 1800-41922111 भी जारी किया गया है, जिस पर फोन कर लोग सामान मंगवा सकते हैं। लॉकडाउन के हॉटस्पॉट एरियाज हैं, उनके लिए स्पेशली वेंडर्स चिन्हित किए जा रहे हैं, जो आपके सेक्टर या हाईराइज सोसाइटी में यथासंभव जितना भी समय अलॉट किया जाता है वो उपलब्ध रहेंगे और आपकी आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी। तो कृपया आप लोग घरों पर ही रहें, कोरोना तभी रुकेगा जब आप लोग अपने घर में लॉकडाउन का अनुपालन करेंगे। नोएडा से सटे गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 13 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। इनमें केडीपी ग्रैंड स्वाना राजनगर एक्सटेंशन, गिरनार सोसाइटी कौशाम्बी, मसूरी, कोविड 19 अस्पताल मुरादनगर, वैशाली सेक्टर 6, वसुंधरा सेक्टर 2B, B77G5 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2, सेवियर सोसाइटी मोहननगर, खाटू श्याम कॉलोनी दुहाई, नाईपुरा लोनी, नंदग्राम मस्जिद के पास का इलाका सिहानी गेट, ऑक्सी होम भोजपुरा। कोरोना के 4 हॉटस्पॉट्स वाराणसी में हैं, कोरोना के 7 हॉटस्पॉट्स मेरठ में हैं और कोरोना के 4 हॉटस्पॉट्स सहारनपुर में हैं। यूपी के 15 जिलों में कोरोना का खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ गया है कि वहां कई कई मोहल्ले हॉटस्पॉट बन गए हैं। ऐसे में अगर लोगों का घरों से निकलना मिलना जुलना जारी रहा तो फिर मुसीबत बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा सरकार ने 15 जिलों में कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाके को सील करने के आदेश दिए हैं। उनमें शामिल हैं मेरठ में 7, सहारनपुर में 4, शामली में 3, गाजियाबाद में 13, गौतम बुद्ध नगर में 12, बुलंदशहर में 4, आगरा में 22, फिरोजाबाद में 23, सीतापुर और बरेली जिले में 1-1 कोरोना हॉटस्पॉट हैं। इसी तरह कानपुर में 12, लखनऊ में 8 बड़े और 4 छोटे कोरोना हॉटस्पॉट्स हैं। वाराणसी में 4, महाराजगंज में 4 और बस्ती में 3 कोरोना हॉटस्पॉट्स पाए गए हैं। जो थोड़ी बहुत की रियायत थी वो रियायत नहीं रहेगी और हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी। इन एरियाज में अगर कोई बैंक वगैरह है या राशन दुकान है उसको अभी फिलहाल 15 तारीख तक नहीं खोला जाएगा और वहां पर जो है सड़कों पर हम मीडिया को भी जाने नहीं देंगे। आइए अब जान लेते हैं कि आम जनता के लिए सीलिंग का मतलब क्या है। सील इलाके में बाहर निकलने की मनाही है, बाहर जाने पर मुकदमा दर्ज होगा, सब्जी और फल मंडी नहीं लगेगी, जरूरी सामान की होम डिलीवरी होगी, लॉकडाउन के दौरान जारी पास निरस्त माने जाएंगे,
प्रभावित इलाके को सील करके हर घर का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। सील किए गए इलाकों में बैंक, राशन की दुकानें तक नहीं खुलेंगी। कोरोना से निपटने के लिए यूपी सरकार टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ा रही है। इसके अलावा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। नोएडा से अंकित यादव और अरविंद ओझा के साथ लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग एरिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन कहां से कौन है ये आपको बता देते हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ है, चिराग गोठी दिलशाद गार्डन से है, वहीं शिवेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ से है, सुशांत बेहरा गाजियाबाद से, मौसमी सिंह नोएडा सेक्टर 100 से, अशोक सिंघल आईपी एक्सटेंशन से और मुनीश पांडे केप टाउन से। लेकिन सबका रुख करने से पहले आपको ये बता दें कि देश में कोरोना से लड़ने की लड़ाई एक कदम आगे बढ़ चुकी है। अब कोरोना के गढ़ बन चुके इलाकों को सील किया जा चुका है। इसी रणनीति के तहत दिल्ली में ऐसे 20 इलाके कल रात से सील किए जा चुके हैं जो कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। मरकज से निकला कोरोना का जिन जब दिल्ली की गलियों में तबाही मचाने लगा तो सरकार ने जानलेवा वायरस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया। पहले 21 दिन का लॉकडाउन और अब कोरोना के 20 हॉटस्पॉट की पहचान कर उन्हें सील करने का फैसला। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग। कोरोना के 20 हॉटस्पॉट सी, कोरोना की सबसे बड़ी घेराबंदी, अब टूटेगी चेन। लॉकडाउन के बाद भी जब कोरोना काबू में नहीं आया तो केजरीवाल सरकार ने एक्सपर्ट की टीम बनाई और उन जगहों की पहचान की जहां दिल्ली में कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए थे। ये हैं गांधी पार्क मालवीय नगर, गली नंबर 6 संगम विहार, शाहजहानाबाद सोसाइटी सेक्टर 11 द्वारका, दिनपुर गांव, मरकज मस्जिद निजामुद्दीन बस्ती, जी और डी ब्लॉक निजामुद्दीन वेस्ट, बी ब्लॉक जहांगीरपुरी, गली नंबर 14 कल्याणपुरी, मनसारा अपार्टमेंट वसुंधरा एनक्लेव खिचड़ीपुर, गली नंबर 9 पांडव नगर, वर्धमान अपार्टमेंट मयूर विहार फेस 1 एक्सटेंशन, मयूर ध्वज अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज, गली नंबर 4 किशन कुंज एक्सटेंशन, गली नंबर 5 ए ब्लॉक वेस्ट विनोद नगर, JKLH पॉकेट दिलशाद गार्डन, GHJ ब्लॉक ओल्ड सीमापुरी, मकान नंबर F70-90 दिलशाद कॉलोनी, प्रताप खंड झिलमिल कॉलोनी। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ और कड़े फैसले लिए हैं। घर से बाहर निकलने पर सभी को मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर एक्शन लिया जाएगा। सीलिंग वाली गलियों और अपार्टमेंट में घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होगी। लोगों को जरूरी सामान की डोर टू डोर सप्लाई होगी। सैलरी के अलावा कोई भी सरकारी विभाग कोई खर्च नहीं करेगा। कोरोना और लॉकडाउन के अलावा अन्य खर्चों के लिए वित्त मंत्रालय से इजाजत लेनी होगी। कुल मिलाके दिल्ली में इस वक्त 20 ऐसे इलाके हैं जहां हमने सीलिंग की हुई है, इलाके को सील किया हुआ है। वहाँ के उसके अंदर उस गली में या उस कॉलोनी में या उस अपार्टमेंट में लोगों का जाना मना है या उससे बाहर निकलना लोगों का मना है। एकदम उसी एरिया में उस लोग रह सकते हैं, सड़क पे भी नहीं घूम सकते हैं। मंडी हाउस के पास बंगाली मार्केट में भी 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद उसे भी सील कर दिया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एक पेस्ट्री शॉप मालिक के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। एहतियात के तौर पर ये दिल्ली सरकार ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पे मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। रीजन सर? रीजन कुछ नहीं, एक दो पॉजिटिव केस मिला है जिसके कारण ये एक्शन लिया गया। सर यहाँ पे मस्जिद भी है, वहाँ पे भी कुछ लोग थे क्या? नहीं नहीं नहीं, वहाँ का कोई केस नहीं। सर क्या मार्केट कल खुलेगी क्या अभी के लिए? मार्केट खुलेगी लेकिन फॉर लिमिटेड आवर्स और लिमिटेड मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा बाय मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस। एक महिला मरीज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पंजाबी बाग के अग्रसेन अस्पताल को सील कर दिया गया है। 13 मार्च से 7 अप्रैल के बीच यहां इलाज के लिए आए लोगों को 15 दिनों तक आइसोलेशन में रहने को कहा गया है।
एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर के 30 स्टाफ को आइसोलेशन में भेजा गया है। ये सभी लोग 72 साल के एक बुजुर्ग मरीज के संपर्क में आए थे, जिनकी रिपोर्ट बाद में कोरोना पॉजिटिव आई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 93 नए मरीज बढ़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी जमाती हैं जिन्होंने निजामुद्दीन के मरकज में हिस्सा लिया था। दिल्ली में कोरोना के 669 मामलों में 426 जमात के हैं। लेकिन दिल्ली को कोरोना के जाल में फंसाने के बाद भी जमाती सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए एक जमाती पर केस दर्ज किया गया है। इस पर मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी और डॉक्टर पर थूकने का आरोप है। जाहिर है जानलेवा बीमारी से जंग मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। चिराग गोठी और अनुज मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम अरविंद ओझा का रुख करेंगे, जो कि नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, नोएडा के किस इलाके में आप मौजूद हैं? क्या उसके नजदीक कोई हॉटस्पॉट है, और अगर है तो किस तरह से वहां पर सीलबंदी का पालन किया जा रहा है? देखिए नेहा, मैं इस वक्त सेक्टर 37 में मौजूद हूँ। ये हॉटस्पॉट है और यहाँ पर तालाबंदी कल रात 12 बजे से हुई थी। जो बहुत जरूरी लोग हैं उन्हीं को आने यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ पर अलाउ है और स्वास्थ्य कर्मियों की, इसलिए इनको आने जाने यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके अलावा 22 हॉटस्पॉट है गौतम बुद्ध नगर में, उन सभी को कल रात 12 बजे से पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हालांकि आपको बताऊं, आज तक के जरिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि प्रशासन ने जो 22 हॉटस्पॉट है उनको पूरी तरह से सील तो कर दिया है, लेकिन जो जरूरी सामान है, दूध, फल, सब्जी, वो आखिर इस सोसाइटी में जो हॉटस्पॉट है जिनको सील किया गया है वहां तक कैसे पहुंचेगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ये देखिए यहाँ पर कुछ लड़की है, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पीजी में रहते हैं, तो खाने का ही वहाँ पर कुछ नहीं है, तो भैया लेकर आते थे खाना। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए ये खाने पीने की ये जो जरूरी चीज है, हालांकि आज सीलिंग का जो हॉटस्पॉट है वहाँ पहला दिन है, लेकिन हमें ऐसे कई लोग मिले जिनको ये जो सुबह दूध लेने जाते थे दूध नहीं मिला। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, दिक्कतें तो है, प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अरविंद, चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस वक्त दिलशाद गार्डन से मौजूद है। चिराग, दिलशाद गार्डन भी वो इलाका है जहां पर हमने देखा था कि काफी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए थे। इस वक्त वहां पर क्या ताजा स्थिति है, और सीलिंग के बाद खासतौर पर वहां पर क्या माहौल है? देखिए, मैं दिलशाद गार्डन के जैन के पॉकेट के बिल्कुल आगे की तरफ मौजूद हूँ। आप देखिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और यहाँ पर जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ सिर्फ राइट साइड पर ही आप देख सकते हैं थोड़ी पुलिस जो है वो तैनात है, और बिल्कुल इलाके को खाली कराया गया। जो एक आध शख्स यहाँ से निकलता है उसको भी पुलिसकर्मी जो है यहाँ से हटा देते हैं, उसको वापस कर देते हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे में यहाँ न सिर्फ दिलशाद गार्डन की अगर बात करूँ, इसके अलावा जो बिल्कुल इसके पास एक कॉलोनी है दिलशाद कॉलोनी, उसको भी सील किया गया। सीमापुरी को सील किया गया है, कुछ इलाकों को झिलमिल कॉलोनी के प्रताप खंड को सील किया गया है। इसके अलावा जो आसपास के इलाके की बात करूं, मयूर विहार में भी मयूर ध्वज अपार्टमेंट है आईपी एक्सटेंशन में, उसको सील किया गया है। ये तमाम ऐसे तकरीबन 20 हॉटस्पॉट्स हैं जिनको दिल्ली में सील किया गया, और आप सुबह की तस्वीरें देख सकते हैं, लोग घरों में जो है एक तरह से कैद हैं और यहाँ किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। बात करते हैं कुछ लोगों से, जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं आप लोगों को ये पूरा एरिया सील किया गया है? सर ऐसा है, मैं आई पॉकेट प्रेजिडेंट, जनहित प्रेजिडेंट, सील कर दिया गया इस इलाके को। हाँ जी, हाँ जी सर, ऐसा है कि ये एच ब्लॉक, एल ब्लॉक और जे एंड के कर दिया है, बाकी आई पॉकेट नहीं है। यहाँ केसेस काफी आ रहे थे, इस वजह से सील किया। हाँ जी, हाँ जी सर, लेकिन हमारे आई पॉकेट के अंदर लोग हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं, RWA का कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। और आप देखिए ये आई ब्लॉक है जो मेरे लेफ्ट साइड पर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा नेहा, MCD यहाँ तमाम अधिकारी मौजूद हैं, और यहाँ देखिए पूरे लोग घरों के अंदर कैद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, कुछ ठीक है। लौटेंगे आपके पास चिराग। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त आईपी एक्सटेंशन से हमारे साथ मौजूद है। अशोक, वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से वहां पर सीलबंदी का पालन किया जा रहा है, कैसे सख्ती की जा रही है? देखिए पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दिए गए, मयूर ध्वज अपार्टमेंट के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, देख सकते हैं पूरी सीलिंग है। यहाँ पर अंदर का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता, बाहर का अंदर नहीं जा सकता। कोई भी अगर एसेंशियल जरूरतों का सामान है, घर का सामान है, उनको गेट तक ही जाने की अनुमति है, गेट के अंदर नहीं कोई जा सकता। पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई, आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहां तैनात है, लगातार पुलिस गश्त कर रही है
और इसके अलावा भी और परमानेंट ड्यूटी लगा दी गई पुलिस की और पूरी बैरिकेटिंग है। जो गार्ड बाहर हैं वो बाहर हैं, सोसाइटी के जो अंदर हैं वो अंदर हैं, किसी को भी अनुमति नहीं है मूवमेंट करने की। पूरी तरीके से ये अपार्टमेंट को सील कर दिया गया। 300 फ्लैट हैं इस मयूर ध्वज अपार्टमेंट में, 300 के 300 जो रेजिडेंट हैं फ्लैट के वो अंदर मौजूद हैं और किसी को भी ये कह दिया गया साफ तौर से, यहाँ पे नोटिस भी लगा दिया गया है कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती। अगर किसी को भी कोई सामान मंगवाना होगा वो फोन पे या गेट के बाहर आएगा वो सामान, उसके बाद अंदर जाएगा, लेकिन अंदर बाहर का व्यक्ति और अंदर का व्यक्ति मूवमेंट नहीं कर सकता, ये साफ तौर से हिदायत दे दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा बैरिकेडिंग है, पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर से कहा गया, देखिए सामान जो यहाँ पर मंगवाया गया था जरूरत का सामान वो यहाँ डिलीवर करके वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि फोन कॉल से लोगों ने यहाँ पे सामान मंगवाया था। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, इसी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आईपी एक्सटेंशन में, ठीक पिछली गली में वर्धमान अपार्टमेंट है, उसको भी सील किया गया है और आसपास के 1.5 किलोमीटर के एक दो इलाके हैं वेस्ट विनोद नगर का, मंडावली, वहां पर भी कुछ एक इलाकों को सील किया गया है। हॉटस्पॉट 20 इलाके थे, उनमें से ये पड़पड़गंज और विनोद नगर के 3-4 इलाके सील किए गए हैं। अब रुक करेंगे मौसमी सिंह हमारे संवाददाता सेक्टर 100 से हमारे साथ जुड़ गई है, नोएडा में ये सेक्टर स्थित है। मौसमी, ये बताइए वहां पर भी सीलिंग हुई है, वहां पर किस तरह से मौजूदा हालात हैं? जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, क्या उससे लोगों को सहूलियत हो रही है या फिर मुश्किलात बनी हुई है? मौसमी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मौसमी का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच रुख कर लेते हैं सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, गाजियाबाद में किस तरह से लोग सीलिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं, वहां पर किस तरह से इस वक्त मौजूदा हालात हैं, क्या ताजा स्थिति है? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद के अंदर 13 हॉट स्पॉट है, उनमें से एक हॉट स्पॉट कौशाम्बी का यही गिरनार अपार्टमेंट है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस पूरी सोसाइटी को सील कर दिया गया है, तालाबंदी यहां पर कर दी गई है, सिर्फ एसेंशियल सर्विस को ही यहां पर जाने की इजाजत दी गई है। जो लोग एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, जो फोन कॉल करके सामान मंगवा रहे हैं, उन्हीं को जाने की इजाजत है। इसके अलावा यहां पर संपर्क किया जाता है, उनसे कम्युनिकेशन किया जाता है, उसके बाद ही यहां पर अंदर जाने की इजाजत जो है वो किसी को दी जा रही है। ताला बंद कर दिया गया है, कोई भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जो है वो नहीं जा सकता और पूरे इलाके में सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की जो पुलिस प्रशासन है वो काफी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है और काफी भारी तादाद में पुलिस बल को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन का ब्रेक जो है वो यहाँ पर ना हो। और लगातार कहा जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो भी शख्स अगर बाहर घूम रहा है उसको बाकायदा अंदर जाने की इजाजत जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट करके भेजा जा रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और सावधानी जो है वो बरतें। और इस पूरे फ्लैट में आपको ये भी जानकारी दे दूं, ये वही सोसाइटी है जिसमें अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपना खुद का घर है और तकरीबन 84 यहाँ पर फ्लैट्स हैं जिनके यहाँ पर कोरोना का एक पॉजिटिव पेशेंट पाया गया था। उसके बाद इस पूरी सोसाइटी को जो है वो अब सील कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की, आप देख सकते हैं कि एसेंशियल सर्विस से जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे बाकायदा यहाँ पर उनसे सामान जो है वो लिया जा रहा है, उसके बाद ही उनको पेमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा अंदर जाने की किसी को इजाजत जो है वो यहाँ पर नहीं जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच रुक करेंगे, मौसमी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। मौसमी, मैं ये जानना चाह रही थी कि नोएडा सेक्टर 100 में हेल्पलाइन काम कर रही है, वहां पर लोगों को सहूलियत है या फिर किस तरह की दिक्कतें आ रही है रोजमर्रा का सामान लेने में? देखिए, सेक्टर 100 में लोटस बुलेवार्ड है जिसको सील किया गया है और जो RWA के व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनको जो दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। खासतौर से सुबह दूध और सब्जी और दूध, ब्रेड, अंडा, इस तरह की चीजों के लिए जो लोग हैं वो लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि सुबह से जो निजी कंपनियां मदद दी हो उसकी अभी तक सुविधा नहीं मिल पाई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कैमरे के जरिए कि किस तरह की तस्वीर है यहाँ पे। आप देखिए लोटस बुलेवार्ड के बाहर की ये तस्वीर मैं आपको जी। ठीक है, सेक्टर 74 से मनीष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, वो भी एक हॉटस्पॉट है जहां पर आप खड़े हैं और सीलिंग वहां पर भी की गई है, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है?
जी देखिए, इस वक्त मैं सेक्टर 74 में मौजूद हूं और जो मेरे पीछे सोसाइटी है वो है सुपरटेक केपटाउन। अभी यहां पर एक बस आई है, इस बस में जो लोग एम्स अस्पताल में काम करते हैं वो बस है। इसके अलावा अगर इस सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन इस सोसाइटी में किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। बाकायदा यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो मेन गेट पर तैनात है और वो यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स अंदर या बाहर ना आ पाए। इसके अलावा अगर किसी को कोई सामान चाहिए तो वो होम डिलीवरी से मंगवा सकता है, किसी भी तरीके से सामान लाने के लिए बाहर जाना उसे इजाज़त उसकी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक कंटेनमेंट टीम भी बनाई गई है। कंटेनमेंट टीम में एक चिकित्सा अधिकारी है, उसके अलावा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अधिकारी है और एक पुलिस अधिकारी है, जो कि जगह लोगों के घर घर जाकर वहाँ पर सैंपल लेंगे। और कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि जो कोरोना वायरस बढ़ रहा है उसे किसी भी तरीके से रोका जाए। जो यहाँ पर सस्पेक्ट है, जिनको लग सकता है कि वो COVID-19 से ग्रसित हो सकते हैं, उन सभी लोगों के ऊपर टेक्निकल सर्विलेंस किया जा रहा है। यानी कि अगर वो अपने फ्लैट को छोड़कर बाहर जाने की कोशिश भी कर सकते हैं तो लगातार पुलिस उसके लिए भी तैनात है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। शिवेन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, वहां से क्या अपडेट है, क्या स्थिति है वहां? देखिए नेहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो कंप्लीट सीलिंग है उस दौरान क्या कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। लखनऊ के तमाम एरियाज हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, 100 से ज़्यादा जगहों पर ये सीलिंग का काम किया गया है। वहाँ पर सबसे ज़रूरी काम उन एरियाज में सैनिटाइजेशन का काम है, जो सुबह से शुरू हो गया है। जिस जहाँ भी संक्रमित लोग पाए गए हैं उन एरियाज में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। एक कॉल सेंटर बनाया गया है जहाँ से लोग कॉल करके अपने ज़रूरी सामानों की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग हैं, जो भी इस इलाके के अंदर रखे हुए लोग हैं, उन सबके पासेज रेस्ट किए गए हैं। इसलिए जो भी एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग कैसे बाहर जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा जरूरी सर्विसेज के अलावा किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी है, जिसमें मीडियाकर्मी भी शामिल हैं। उन एरियाज में मीडियाकर्मी भी नहीं जा सकते, लेकिन अगर इन इलाकों में मीडियाकर्मी कोई रहता है तो उसको बाहर काम करने जाने की इजाज़त है। ऐसे ही हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए भी है। तो ये सारे इंतजाम फौरी तौर पर किए जा रहे हैं, क्योंकि कल शाम को ही ये फैसला हुआ और उसके बाद रात के अंदर ही सारी बैरिकेडिंग करके सैनिटाइजेशन का काम और जितना भी अवेयरनेस का काम है वो सब शुरू किया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वो पैनिक बिल्कुल ना हो, क्योंकि सरकार सारी चीजों की आपूर्ति के लिए सारी व्यवस्था कर रही है और कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। और घर में ही रहने में अशोक सिंगल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, ये भी कहा गया था कि जो लोग घर से बाहर निकले वो मास्क पहने, मास्क नहीं लगाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा होता हुआ दिख रहा है आपको वहाँ? बिल्कुल, आज इस बात का काफी असर देखा गया। सड़कों पे जो लोग भी दिखाई दे रहे हैं वो सब मास्क लगाए हुए हैं। यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए देख दिखाना चाहेंगे मेरे कैमरामैन, मैं म्यूर धवज अपार्टमेंट, सबने मास्क लगाया हुआ है और इसका पालन किया जा रहा है स्ट्रिक्टली कि मास्क सब लोग लगा करके निकले। कल ही ये कहा गया कि जरूरी है जो भी घरों से बाहर निकले वो मास्क लगा के निकले, और सोसाइटी के अंदर भी जो लोग दिखाई दे रहे हैं म्यूर धवज अपार्टमेंट के अंदर उन्होंने भी मास्क लगाए हुए हैं साफ तौर से, जबकि ये कहा गया था सोसाइटी के बाहर मास्क लगा के निकले, लेकिन सोसाइटी के भीतर भी लोगों ने मास्क लगाए, तो इसका काफी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और जहां तक मैं बात कर रहा था सीलिंग की, तो ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि म्यूर धवज अपार्टमेंट को पूरा कॉर्डन ऑफ बैरिकेटिंग लगा के किया गया है और ताला लगा दिया गेट के ऊपर। कोई भी अगर जरूरी सामान वो चाहिए तो गेट के बाहर से ही दिया जाएगा, अंदर से बाहर कोई नहीं आ सकता। पुलिस इस बात को इंश्योर कर रही है कि कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, बाहर का व्यक्ति अंदर ना जा पाए और अंदर का बाहर ना पाए। एहतियातन तौर पर यह किया गया है कि कोई भी व्यक्ति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स नर्सेज अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, मरीजों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग डॉक्टर्स की जान के पीछे पड़ गए हैं। दिल्ली में दो महिला डॉक्टर से मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के महासंकट से जूझ रही है, तो वहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ देवदूत के रूप में सामने आए हैं। निजी सुविधा और परेशानियों की परवाह किए बगैर डॉक्टर, नर्स और चिकित्सा सेवा से जुड़े तमाम लोग दिन रात कोरोना पीड़ितों के इलाज में लगे हुए हैं। लेकिन कोरोना योद्धाओं के इन तमाम कोशिशों के बीच दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई है जो डॉक्टरों का मनोबल गिरा सकती है।
दिल्ली के गौतम नगर इलाके में कल रात करीब 9:30 बजे कुछ लोगों ने दो महिला डॉक्टरों से मारपीट की। ये महिला डॉक्टर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की इमरजेंसी विभाग में तैनात हैं। खबरों के मुताबिक दोनों डॉक्टर घर से फल खरीदने निकली थीं, तभी एक पड़ोसी ये कहकर चिल्लाया कि इलाके में दोनों कोरोना फैला रही हैं। जब महिला डॉक्टरों ने इस आरोप पर आपत्ति जताई तो उनसे बदसलूकी की गई। हौसखास थाने में इसे लेकर एक केस दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने हमारे डॉक्टर्स को बोला कि आप फूड शॉप से दूर खड़े हो, क्योंकि आप लोग डॉक्टर्स हो और आप लोग सफदरजंग हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लाते हो और आप लोग के कारण पूरे कंट्री में कोरोना वायरस फैल रहा है। तो जब हमारे डॉक्टर्स ने थोड़ा आर्ग्यू किया उनसे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे, तो उसने हमारे डॉक्टर्स को पहले थप्पड़ मारे, उनके हाथ मोड़े, उनके गर्दन पे मारा, फिर इन्होंने जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग गया। इनफैक्ट वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स और भी हैं उनको उसको मदद किया उसको भागने की। डॉक्टरों के साथ ऐसा सलूक तब है जब वो जान की बाजी लगाकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तुम डॉक्टर जब इन्होंने बोले हम लोग डॉक्टर काम करते, तुम्हारे से गंदे डॉक्टर है, तुम्हारे से डॉक्टर कोरोना फैला रहे हो, वजह से ही कोरोना पूरे इंडिया में फैल रहा है, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। और मैंने बोला कि रूममेट है तो हम दोनों में आपस में क्या डिस्टेंस है, हम लोग साथ में ही रहते। तो कह रहे फिर बोल रहा था, इसको बोलने लगा कि अरे मन तो हो रहा है कि अभी मारूं, ऐसे बोल रहा है बिना कुछ किए। नहीं नहीं तब नहीं मार, तब ऐसे बोल रहा मन तो हो रहा है अभी मारूं। तो ऐसे कैसे तुम किसी को बोल सकते हो, जानते हुए भी कि हम लोग डॉक्टर है, हम लोग सारी चीजें फॉलो कर रहे, लेकिन तुम इतनी बदतमीजी करो। और फिर मैं तुम्हारे पर केस ठोक दूंगा, तो ऐसा बहुत गुस्सा है। और फिर इतना प्रोवोक कर रहे थे, फिर अचानक से आके फिर हम लोग को मारने लगा। गौरतलब है कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब भी ऐसी खबरें आई थीं कि मकान मालिक कोरोना फैलने के डर से डॉक्टरों को मकान छोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तब पुलिस प्रशासन को यह सख्त आदेश जारी करना पड़ा था कि मकान मालिक डॉक्टरों को परेशान न करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान WHO पर नाराजगी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली राशि रोकने की धमकी दी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन केंद्रित बताया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी कोरोना के कहर से बुरी तरह तबाह है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का फंड रोकने की धमकी दे डाली है। कोरोना वायरस महामारी के बीच ट्रंप ने आरोप लगाया कि WHO चीन का हिमायती है। ट्रंप ने कहा कि WHO धन हमसे लेता है और हमारे द्वारा लगाई यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों की आलोचना करता है। ट्रंप ने WHO पर खर्च होने वाली राशि को भी रोकने की बात कही। हालांकि एक मिनट बाद ही ट्रंप अपने बयान से मुकर भी गए। ट्रंप ने मार्च में भी दावा किया था कि कोरोना पर चीन को लेकर WHO का रवैया पक्षपातपूर्ण है। इससे कई लोग सहमत नहीं हैं। The WHO, that's the World Health Organization, receives vast amounts of money from the United States, and we pay for a majority, a biggest portion of their money. And they actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it. And they were wrong. They've been wrong about a lot of things. आपको बता दें, अमेरिका में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 2000 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 12,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका में वायरस का खौफ खत्म नहीं हो रहा है। आज तक ब्यूरो।